थोड़ा सा सही दिख रहा हूँ आज इस करके, तो मिन्नी तो हमेशा ही मेरे से बुरी दिखती है, समझ रहे हो ना। बस कर ये चलवे ना दिखा तो मेरे को नहीं आएगा, तो मुझे ले लेगा। हाँ तो सही कह रहा हूँ ना। हाँ मैं पहन लूंगी का, और एक दो तीन है शान जी हमारा वेट। तो भाई बात ऐसी है, देखो हम जाने के लिए होते तैयार मूवी देखने के लिए वेद, और हमने तो कल मूवी पक्की कर ही दी थी, बस हमने बुक इसलिए नहीं की, हमने सोचा कि आज बुक करेंगे, लेकिन अभी मैंने बोला था कि मनीष भी साथ जाएगा, तो मनीष का फोन आया, उसने बताया कि मराठी मूवी मूवी मराठी में आया, तो हमें समझाता कौन, इस चक्कर हमने कैंसिल कर दिया। हम इसलिए सिर्फ 4 मॉल घूमने जा रहे हैं, और वहाँ जाके 2-4 आज वीडियो बनाएंगे। मैं थोड़ा सा सही दिख रहा हूँ आज इस करके, तो मिन्नी तो हमेशा ही मेरे से बुरी दिखती है, समझ रहे हो ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। जैसा कि ये भी कहते हैं कि आज वो अच्छे दिख रहे हैं, पर मैं हमेशा अच्छी दिखती हूँ, तो ज़रूर बताना कमेंट्स में कि मैं कैसी दिखती हूँ। चलो तो मैंने बनाए थे छोले और चावल, तो यूवी का पैक कर लिया और मैंने खा लिया था। तो ये देखिए हमारे खेतों की सरसों, और गाड़ी में दिखाइए हमारी गाड़ी में सामान रखा हुआ है। ये देखो ये यूवी टोकरी में कैमरा डालकर लाए, क्या टोकरी में कैमरा, टोकरी में कैमरा, कैमरा नहीं फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स है, डाइट है, सामान मुझे लगा कुछ रखने के लिए मिला नहीं, बैग बैग तो मैंने टोकरी में रख लिया, अपनी गाड़ी में तो रखना है, और पीछे रखा जो फ्लैट में जाएगा, रोड पे जाएगा सामान, जो काम कर रहे हैं वो मजदूर के पास, पीछे जो सामान है वो जाएगा हमारे नजर पर। हाँ तो ये भी बता रहे थे कि हम वेद मूवी देखने जा रहे थे, पर वो मराठी में थी ये नहीं पता था, तो मनीष भैया से पता चला कि वो मराठी में, अच्छा हम लोगों ने बुक नहीं करी, और उसकी जो टिकट्स थी वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो शुक्र है हम लोग बच गए। और अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़े टाइम पहले बीवी ने शॉपिंग करी थी और ध्यान के लिए भी कुछ लिया था, तो उसको हम लोग जो है साइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको चेंज वगैरह करेंगे, अब बस घर ऐसे ही हम लोग जो है मस्ती मस्ती करेंगे, और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग अपने ध्यान को लेकर नहीं जा रहे साथ में, तो आप समझ सकते हैं। तो बस अभी निकल गए हैं हम लोग, और बीबी ने एक गाड़ी रख ली, इधर लोग पहुंचे, हम जा रहे हैं यहां से सीधा मेरे ख्याल से गुड़गांव, सामने लेके जाऊंगा, सामने लेके जाऊंगा। तो हम लोग अभी आ गए नंगे, जो कि हमें ये सामान वगैरह है वो देना है, तो यहां तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगा, आज संडे होने के बावजूद जो है इतना ट्रैफिक था, पर मुझे पता ही नहीं था कि आज संडे है, तो धूप भी जो है निकल गई है, और बस सामान देते आ गए भैया हमारे यहाँ पे, आप लोग को पता ही है कि काम चल रहा है घर में, तो उसके लिए कुछ सामान जो है देना था। भैया देख रहे हैं कैमरे की तरफ, तो चलो सामान दे दिया है उनको, और अब हम निकल रहे हैं सीधा मॉल के लिए, ठीक है। हम शॉर्टकट देख रहे थे, बट यहाँ पे भी देखो ट्रैफिक, और हर जगह से हम ट्रैफिक से ही गुजरते हुए आ रहे हैं। आप कौन से रास्ते से? द्वारका मोड़ से। क्या है तो मनीष भैया भी हमारा जो है वेट कर रहे हैं बहुत देर से, पर हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, देखो जल्दी कोशिश है पहुंचने की, इतना तेज चलाने की जरूरत भी नहीं है। क्या तेज है अपनी गाड़ी, खड़ी हुई है, खड़ी है, चल ले रही है, खड़ी हुई चलती गाड़ी को कह रहे खड़ी हुई है, खड़ी हुई है, हम सेफली पहुंचा है बस। मुझे लग रहा है आज गाड़ी में बैठे हैं बहुत ज्यादा डर, गाड़ी हमारी एक बार भी 60-70 से ऊपर नहीं गई यार, कैरी गार्ड गाड़ी रफ चला रहा हूँ मैं, 10 गिन ले तो 10 गिन तेरे सामने हूँ,
जाम लगा हुआ है। ये देखो यहाँ का हाल, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। एम्बियंस फुल पार्किंग। और हम एम्बियंस फुल पार्किंग छोटा हो जाएगा देखो। वाव, ये बाहर की तरफ है रेस्टोरेंट। हाँ तो फाइनली पार्किंग मिली है बहुत मुश्किल से दूसरी तरफ आकर। थक गए गाड़ी में बैठे बैठे, सच में बहुत दिक्कत हुई आज तो मुझे गाड़ी में। चलो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, जल्दी से पहुँचते हैं ऊपर मॉल में। तो अभी भी हम लोग सच में आज मनीष मेरे को बहुत ज़्यादा वेट करा रही है। अभी भी हम लोग देखो वॉक करके ही जाएंगे मॉल के अंदर। बहुत ठंडी लग रही है अब। फ्रेश फ्रेश बस कर, बस कर, ये चल वे ना दिखा। ये सब मैं बैग ढोके दिखा चुका। ये असली है नकली है? सब नकली है, असली सिर्फ मैं हूँ। ये देखिए क्रिसमस की जो है डेकोरेशन हो रखी है बहुत खूबसूरत, और क्राउड देख रहा हो वैसे लग रहा है मैं सरोजी मार्केट आई हुई हूँ। तो भैया भी आ गए हैं, तो वॉशरूम में पता इतनी भीड़ थी कि बस क्या बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मुझे लग रही है भूख, सब लग जा रही है हम लोग फूड कोर्ट पे। बहुत जोर से तो हमने सोचा था मैगी खाने के, पर यहाँ का हाल देखो। सीटिंग का मेन तो पीछे है ना, सीटिंग ही नहीं। सच मेरा मन मैगी खाने का ही था, बट हाल हाल हो रखा है। तो हम लोग खाने का सोच रहे हैं, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या खाएं क्या नहीं। और मेरा मन था खाने का मैकडी बर्गर, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो यहाँ पे भी हम खुद ऑर्डर कर रहे हैं KFC में, प्लस कोल्ड ड्रिंक था तो मैंने एक ही करी। तो ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने, अब वेट कर रहे हैं। जैसे आए खाना और मैं फिर 54 चल रहा है, खा लूंगी जल्दी लेके आएगा सुपर करने के बाद। हमारा तो ऑर्डर आ चुका है, और ये हमारे भाई साहब स्टार्ट। तुम इतनी इतनी भूखी मर रही है इतनी देर से, क्योंकि ये लोग बहुत कंजूस हैं, मेयोनी बहुत कम लगाते हैं। अरे कोई बात नहीं, खाओ ना, दाए देखा ना बाए देखा, और एक दो तीन है। वैसे मुझे मैगी खाने का मैगी का बर्गर खाने का मन था, बट कोई बात नहीं, KFC के बर्गर से काम चला रहे हैं। और है टेस्टी ये भी काफ़ी। और एक्चुअली क्या हुआ, हमने कोक ऑर्डर करी तो उसमें वो एक ही ऑप्शन दिखा रहा था जस्ट, तो भैया वो कोक के थे तो भैया डायरेक्ट चले गए वहाँ पे काउंटर पे, तो उन्होंने वापस ही उनको जो है ये स्क्रीन वाले जहाँ पे ऑर्डर करते हैं वहाँ पर भेज दिया। तो अब यहीं पर ही ऑर्डर करने के लिए वो आए हैं। खाना जो हमने निपटा दिया, खाने को सड़ाता है पर मेरे को लगता है खाने को डाइजेस्ट करता है ना। इनकी सोच अलग है यार, ये भी तो एच एन एम हम आ गए और ये भी सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए कपड़े, और जब चेंज करना तो उसके बदले में भी देख रहे हैं। ऑप्शन तो है ही है ना, क्या कहते मेरे को नहीं आएगा तो मुझे ले लेगा। हाँ तो सही कह रहा हूँ ना, हाँ मैं पहन लूंगी। जो नहीं आएगा तो भाई हाँ, पर हाँ थोड़ा टाइट लग रहा है।
लगे लाइन में, अभियान की शॉपिंग हमने कर ली है। एच&M में कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट पे हैं और बहुत सी चीज़ें जो है बहुत महंगी, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट जो है मतलब चीज़ें हैं लड़की के लिए, लड़की के लिए। देखो कितना क्यूट है ये, तो ये देखिए फुटवेयर्स। आई विश कभी बेबी गर्ल हो तो मैं उसको ऐसी प्यारी प्यारी प्रिंसेस जैसी पहनी पहनाऊँ। ओह माय गॉड, फाइनली हो गई है हम लोगों की शॉपिंग, तो बहुत ज़्यादा जो है थक गए। तो मेरा मन कर रहा है सॉफ्टी खाने का, बट क्यों इतनी ज़्यादा लंबी है तो देखते हैं। तो वहाँ यू भी खड़े मेरी इसको बिलिंग करने के लिए और मुझे यहाँ से मिल गए ये सब। थैंक यू भैया। क्या बोल रहे हैं? बस यही है वनीला कोन। ओ मम्मी ठंडी, और साथ में ये कुल्फी। कुल्फी नहीं, ठंडी भी क्या क्या बोलवाती है सॉफ्टी। मेरा बहुत मन था इसको खाने का, बहुत ही ज्यादा। मैं वॉशरूम में खड़ी हुई, मेरे से आगे दो लड़कियां पीछे से आई, आगे आके खड़ी हो गई, अंदर चले गए। मैं खड़ी रह गई, मैंने बस एक बुजुर्ग आंटी को आगे भेज दिया। ठीक है, हाँ। अपना टाइम देने के लिए। अरे अच्छा ठीक है, ये भाई मुझे अपना टाइम देगा, मैंने इसको अपना टाइम दिया। अच्छा थैंक यू। सुबह गाड़ी में तो भाई अभी एक जगह से तो मन भर गया है, तो दूसरे मॉल में आए हैं। इसमें जाएंगे फूड कोर्ट एरिया में, कुछ खाना पैक करवाएंगे। ओ ये है वो। हाँ ये है वो। आप कर रहे थे? हाँ ये है। कहाँ? चला नहीं जा रहा मेरे से अब। मत चलो फिर। अब उसमें वो अजीब वो तो सॉल्ट मत डालिएगा बस। इतना वो तो यूज़ ही नहीं होता। ठीक है तो आप चिली चिकन कर दीजिए, ज़्यादा स्पाइसी मत। स्पाइसी मत करना बिल्कुल भी भाई। तो अभी हम लोग आए हैं पैसिफिक मॉल द्वारका में, और क्योंकि मुझे कुछ खाने का लेना था और अभी मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, घर जाकर मैं कुछ बना नहीं पाती, तो इस करके हम लोग गुआओ से जो है मैंने फ्राइड राइस पैक कराई। क्यों हंस रहे हो? ऐसे ही अभी ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया था हमें। बाना मार के छूटते हैं। बाना बाना नहीं बता सकते हम क्या बोला। हम बाना हम नहीं बता सकते क्या बोला, पर हमें छोड़ दिया, बोला जाओ बेटा जाओ। तो बहुत ही प्यार से छोड़ा कि हाँ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जल्दी से ऑर्डर आ जाए फिर लेके सीधा घर जाना है, बहुत देर हो गई है वैसे। क्या घड़ा? क्या घड़ा लिया अपने कमरे के लिए? घड़ा? अच्छा सुंदर लग रहा है, पर ये यू भी तो घर के लिए हमने लिया है वॉल क्लॉक। काफ़ी सारे ऑप्शन है, पर जो यू भी ने चूज़ करा है मुझे वही जो है अच्छा लग रहा है। तो हमने कुछ शॉपिंग करी है, हाँ यस मिस्टर थक गया, थक तो मैं भी गई हूँ। तो यू भी करा रहे हैं बिलिंग। हाँ यहाँ
मुझे ढूंढ रहे थे। भाग यार। खुद काट रहे हैं। मेरे को लगी थी भूख तो मैंने इसको अभी खोल लिया है। चट। उसको मैंने कर लिया चट। चट नहीं, खाते खाते जाऊंगी घर में, क्योंकि घर अभी है बहुत ज्यादा दूर। ये देखिए, ये है हमारे गांव का ठंडी। हमारे गांव का ठंडी है, गांव की ठंडी। ये भी साला मेल फीमेल है क्या? तो देख सकते हैं आप लोग, अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे चलकर आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा फॉग है। अब जो है हमारी थली चल रही है और यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेरे को सब नजर आ रहा है। अरे नजर तो आ रहा है पर हाँ, कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा है। अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है? तभी तो गाड़ी चला रहा हूँ। पागल, वो देखो आ, व्हाइट वाली पट्टी। वही देखता हूँ मैं, व्हाइट पट्टी इसलिए तो बनाई जाती है भैया। ठीक है भैया। ए बाबूराव, तुमको पता नहीं है क्या? कौन रूम में चढ़ा मेरे को? वो गिर ना जाए। पकड़ रखा है। चिक 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 गिरने से याद आए।